हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, आज ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए यूनिट सेकंड में से लिया गया है। पेपर फर्स्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध को जानने से पहले हमें वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। टेलर का मैं शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जीवन में आनंददायक कार्य करने की अपेक्षा कार्य को ही आनंददायक बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का, व्यवस्था अभियांत्रिकी का और कार्य कुशलता का उपदेशक कहा जाता है। इनका जन्म 20 मार्च 1856 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। डैनियल बेल ने टेलर के बारे में कहा है, अमेरिका जैसे खुले समाज और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के बाद भी टेलर को किसी प्रकार का व्यसन नहीं था। वह ना तो शराब पीते थे, ना ही धूम्रपान करते थे, यहाँ तक कि उन्हें चाय कॉफ़ी का शौक़ भी नहीं था। इसके बावजूद भी टेलर नींद नहीं आने की समस्या से ग्रस्त थे। वहवश उन्हें पीठ के बल लेट कर नींद कदापि नहीं आती थी, बल्कि बिस्तर या कुर्सी पर तकिए के सारे सीधे बैठकर ही थोड़ी सी राहत अनुभव होती थी। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को जानने से पहले हमें टेलर के कुछ उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को तोड़ते हुए नई मान्यताओं का प्रतिपादन किया है और कुछ प्रयोग किए हैं। वो प्रयोग है, पहला है मिडवेल अनुभव। मिडवेल एक स्टील की कंपनी थी, वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा और महसूस किया वो उनके प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित था और उन्होंने मिडवेल अनुभव का नाम दिया। टेलर ने वहाँ देखा कि कर्मचारियों के कार्य करने की प्रणाली एक जैसी नहीं थी, हर श्रमिक अपने तरीके से काम करता था, श्रमिकों में कार्य के प्रति कोई रुचि नहीं थी। टेलर ने इसे प्राकृतिक तथा व्यवस्थित सोल्जरिंग का नाम दिया। सोल्जरिंग का अर्थ है उद्योगों में धातुओं के गर्म और तरल पदार्थों से तारों को अन्य धातुओं के साथ जोड़ने की में प्रयोग होने वाली प्रक्रिया। लेकिन यहाँ सोल्जरिंग घिसे पिटे परंपराओं के लिए प्रयोग में किया गया था। व्यवस्थित सोल्जरिंग को देखकर टेलर ने प्रबंधक को कहा कि वह श्रमिक के दिन भर के उचित कार्यों का पता लगाए और उसी के अनुसार उसे दिन का उचित वेतन दें। इसी के क्रम में उन्होंने समय, गति और थकान अध्ययन की भी स्टडी की थी। उसके बाद आता है वैथलेहम प्रयोग। इसमें टेलर ने 1899 में किया था और इसमें जो प्रयोग किए थे वो इस प्रकार थे, कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग। इस प्रयोग में टेलर ने देखा कि कंपनी से कच्चे लोहे को हटाने के लिए श्रमिकों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उन्होंने श्रमिकों को एक कार्य के दौरान कहा कि उन्हें एक विश्राम दिया जाए और कच्चा लोहा उठाने की विधि में परिवर्तन किया जाए। ऐसा किया गया और उत्पादकता 12.5 टन से बढ़कर 47.5 टन हो गई। सेकंड है इनका फावड़ा प्रयोग। वैथलेहम स्टील कंपनी में रहते हुए टेलर ने देखा कि लोहे या कच्चे पदार्थों को उठाने के लिए हर श्रमिक को अपनी मर्जी का फावड़ा काम में लेना पड़ता था। इसमें टेलर ने यह कहा कि यदि हम बड़े और लंबे फावड़े और भारी फावड़ों की जगह छोटे छोटे फावड़ों, अच्छे फावड़ों का, हल्के फावड़ों का प्रयोग करें तो उत्पादन में वृद्धि होगी। और ऐसा हुआ, हल्के फावड़ों के प्रयोग करने से
उत्पादन 16 टन से बढ़कर 59 टन रोज का हो गया था। लास्ट था उनका धातु कटाई प्रयोग। टेलर ने धातु कटाई संबंधी प्रयोग 26 साल तक अलग अलग जगह पर किया था। इसमें 30,000 प्रयोग किए गए थे और इसमें 1.50 लाख डॉलर खर्च किया गया था। और टेलर ने इन प्रयोगों से यह कहा कि किसी भी धातु की कटाई मशीन की गति, कार्य की योजना, कटाई की गहराई, मिलिंग मशीन, ड्रिल प्रक्रिया, इन सब बातों पर निर्भर करती है। अगर हम इन सब बातों पर ध्यान रखें तो फिर उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और धातु की कटाई भी अच्छी तरीके से की जा सकती है। टेलर इन प्रयोगों से टेलर ने यह पता लगाया कि किसी भी कार्य करने को एक सही तरीका होना चाहिए। टेलर खुद एक श्रमिक से लेकर इंजीनियर तक सभी पदों पर उन्होंने कार्य किया था, इसलिए वे हर समस्या को सही तरीके से उसका मूल्यांकन करते थे। 1898 में टेलर और वाइट ने इस्पात को कठोर बनाने की विधि विकसित की और कहा, टेलर की मान्यता थी, कठोर और नीरस श्रम के द्वारा ही जीवन में गौरव और गरिमा प्राप्त की जा सकती है। स्टूडेंट, जब भी हम टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध की बात करेंगे, उससे पहले हमें वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन, किन परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रबंध आया, यानी इसको लाने के लिए इस शब्द का मूल रूप से प्रयोग सबसे पहले लुई मेंडिस ने किया था, लेकिन इसको एक वैज्ञानिक तरीके से एक नई दिशा देने में टेलर का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है।